और सवाई माधोपुर में खाद्य सुरक्षा टीम का एक्शन देखा गया है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर में खाद्य सुरक्षा टीम की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। फफूंद लगे 2000 किलो बेसन के लड्डू जब्त किए गए हैं। खराब और फफूंद लगने से लड्डू खराब हो गए हैं। करीब एक दर्जन प्रसाद की दुकानों पर ये कार्रवाई की गई। खाद्य निरीक्षक वीरेंद्र सिंह, देव प्रकाश पूर्विया और बाबूलाल तगाया ने कार्रवाई की है। सीएमएचओ धर्म सिंह मीणा के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की त्रिनेत्र गणेश मंदिर परिसर में कार्रवाई की गई है। खराब व फफूंद लगे 2000 किलो से अधिक बेसन के लड्डू एवं प्रसाद जब्त किए गए, नष्ट किया गया। करीब एक दर्जन प्रसाद की दुकानों पर कार्रवाई हुई। खाद्य निरीक्षक वीरेंद्र सिंह, वेद प्रकाश पूर्विया व बाबूलाल तगाया ने कार्रवाई की। कंप्लीट था, पूरा मना मना माल था। पब्लिक बरसात की वजह से पब्लिक जाम हो चुकी थी, गेट बंद कर दिया था। 30 किनारों गेट बंद हो गया था, सुबह खुला ही नहीं गेट, सुबह खुला वह माल यू पी रख रह गया। नुकसान काफ़ी हो गया और जो मेले के दौरान जो सामान बनाया गया है, लड्डू जो यात्री अब्दुल, कम से कम 6-7 लाख पब्लिक आती है, उस तरह से माल बना लिया है। बरसात के कारण गेट बंद कर दिए गए, खड्डे हो गए, मिट्टी आ गई, रास्ते जाम हो गए चारों तरफ के। यहाँ पर जो श्रद्धालुओं को लड्डू बेचने से जो रह गए, ये मेले के दौरान लड्डू बनाए गए थे। मेला 6-7-8 तारीख का था। अत्यधिक बारिश होने के कारण श्रद्धालु कम आए और इनके पास स्टॉक ज़्यादा था और इनके गोडाउन में भी था और वेंडर्स ये कुछ तो बेच भी रहे थे। तो परसों हमारा निरीक्षण हुआ था यहाँ पर, तो हम लोगों ने यहाँ जो दुकानें खुली हुई थी उनसे सैम्पलिंग करी और जिनके गोडाउन बंद थे उनको सीज़ किया गया। तो हमें अनुमान था कि 2000 किलो के लगभग लड्डू अभी गोडाउन में हैं, तो अभी खुलवाया तो लगभग उतने ही, उससे भी ज़्यादा निकले हैं, तो उनको उन पे सब पे फंगस लग गई। तो देखिए, आपने यहाँ पर सुना त्रिनेत्र गणेश मंदिर में बड़ी कार्रवाई की गई। इसके अलावा और भी ऐसे मंदिर हैं जहां पर ये कार्रवाई की गई। फफूंद लगे 2000 किलो बेसन के लड्डुओं को जब्त करके उनको नष्ट कर दिया गया और ये वही तस्वीरें भी सामने आई, क्योंकि तिरुपति बालाजी मंदिर से जिस तरीके से घटना घटी, वहाँ उसके प्रसाद में भी मछली के तेल की उपस्थिति पाई गई। तो और इसी को लेकर अब राजस्थान के मंदिरों में भी इस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है ताकि किसी की भी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। इन सभी लड्डुओं पर फफूंद लगा हुआ था, ये सभी लड्डू खराब थे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये सारे लड्डू खराब हैं और इसे कहना कहीं खाने से बीमारी भी पैदा होती है। अब इसी को लेकर ये बड़ा एक्शन लिया गया और इन सभी फफूंद लगे लड्डुओं को नष्ट कर दिया गया है और साथ ही कार्रवाई भी की गई है। दिलीप पाटीदार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दिलीप, बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन खाद्य सुरक्षा टीम ने किया है जहां पर फफूंद लगे लड्डुओं को नष्ट कर दिया गया। जी, ये बता देता हूँ, चिकित्सा विभाग के स्वास्थ्य विभाग ने दूसरे दिन में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए खराब फफूंदे 2-4 किलो से अधिक बेसन के लड्डू नष्ट किए हैं, क्योंकि इसके कारण 2 अक्टूबर तक गणेश मंदिर बंद है। वहां पर लड्डू बना के दुकान पर रखने के थे, पुराने लड्डू थे। तो लगभग दूसरे दिन, पहले दिन 800 किलो लड्डू नष्ट किए थे, वहीं कल खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 2000 लड्डू को नष्ट किया है। 2000 किलो। चलिए दिलीप, बहुत शुक्रिया आपका दिग जानकारी देने के लिए।